हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री की एक ऐसी टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कैप्चर किया था और बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में। बार बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। बैटल ऑफ प्लासी, इसे बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है बिकॉज ये फॉट हुआ था कलकत्ता से 150 किलोमीटर नियर हुगली रिवर। एंड जहाँ जिस प्लेस पे ये बैटल हुआ था वहाँ बहुत सारे पलाश के फूल थे, इसीलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट वाज द बैटल बैकग्राउंड, व्हाट वाज द रीज़न फॉर बैटल, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, किस में हुआ। सो बैटल ऑफ प्लासी सबसे मोस्ट डिसीजिव वार था बिकॉज ये जो थी उसने इनिशिएशन दी ब्रिटिशर्स ब्रिटिश रूल को। इसके पहले ब्रिटिश की इंडिपेंडेंट वीन नहीं हुई थी। सो दैट्स वाई बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी में नवाब ऑफ बंगाल्स जो थे उनके साथ में अलाइन हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके माइंड में आ सकता है। तो बैटल ऑफ प्लासी और कब हुआ था, 23 जून 1757 को ये हुआ था। और दो पार्टी जिनके बीच ये हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे ये भी हम अभी देखेंगे, एंड सिराजुद्दौला। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्लासी के पीछे अगर बैटल हुआ है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। सो जैसा कि आप सबको पता है कि बंगाल अर्लियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो क्यों ब्रिटिशर्स बंगाल आए और क्यों इंग्लिश बंगाल आए, क्यों ऐसा हुआ था। ब्रिटिशर्स ने जब पहली बार यहाँ पे आया तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी वो बेसिकली अपना टेरिटोरियल डोमेन को एक्सपेंड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि और से ज़्यादा एरिया वो कैप्चर कर सके। साथ ही साथ जो ट्रेड बिजनेस था यहाँ पे, फ्री ट्रेड पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी ये था कि यहाँ से वो किसी भी गुड्स पे टैक्स फ्री होता था। उन्होंने जो भी टैक्स, जो भी इम्पोर्ट हम एक्सपोर्ट करते थे जो भी गुड्स, वो टोटल टैक्स फ्री होता था। साथ ही साथ जो बंगाल का कॉन्ट्रीब्यूशन था GDP पे वो 6% था टोटल। GDP आपको पता है, आगे चल के आप इसे पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री प्रोवाइड करती है उसके बेस पे GDP। तो इंडिया की GDP पे 5-6% कंट्रीब्यूशन था बंगाल का। तो ये कारण था ब्रिटिशर्स जो बंगाल पे एनेक्स करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। अब इस बात बीच हम जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। सो बंगाल्स के नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के लू, जब ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अनलॉफुल ट्रेड किया तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। और इसके लिए एक इंसिडेंट हुआ था, ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट ये था कि ब्रिटिशर्स ने के साथ में फाइट करते हुए जब सिराजुद्दौला ने करीबन 146 इंग्लिश पर्सन्स को, प्रिजनर्स को कैप्चर कर लिया था, जिनमें से ओनली 23% ही सर्वाइव कर सके। बाकी के जो ब्रिटिश पर्सन थे, बाकी के जो इंग्लिश मैन थे, वो रातों रात दम घुटने से मर गए थे। तो ये जो चीज़ें थी वो एक तरह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी अफेक्ट की, क्योंकि पहली बार इस तरह से किसी नवाब ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए हुए थे। साथ ही साथ ईस्ट कंपनी ने डिसाइड किया, अब इस तरह से इंसिडेंट के बाद, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो कंट्रोल में नहीं थे ब्रिटिशर्स के, सो दैट्स वाई उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ के नवाब को अपने बेनिफिट के लिए चेंज करने की। इस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो कारण था बैटल ऑफ प्लासी का, ये मेन कॉज थे। और सिराजुद्दौला ने इसीलिए ही अगेंस्ट हो गए वो ब्रिटिशर्स के। उन्होंने टोटल एक तरह से ओपन वॉर स्टार्ट हो गई ब्रिटिशर्स के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो स्टेप्स लिए यहाँ पे, तो सबसे पहले उनके जो हेड थे उस समय वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर जनरल थे उस समय पे। उन्होंने बेसिकली फोर्स अराइव हो गए वो 7 दिसंबर 1756 में। उन्होंने कलकत्ता को फिर से वापस कैप्चर कर लिया। सिराजुद्दौला जो बेसिकली थे, अब इसके साथ में उन्होंने कलकत्ता एंड ट्रीटी ऑफ अलीनगर किया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम भी चेंज करके अलीनगर कर दिया था। इंग्लिश ने फिर उसके बाद में फ्रेंच पे अटैक कर दिया और सबसे ज़्यादा हुआ था 23 अप्रैल 1747 को कलकत्ता में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर कर देंगे सिराजुद्दौला को, और 1 मई से 3 जून तक ये जो नवाब थे उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। रीज़न फॉर द बैटल, क्या ऐसा कारण था जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ। सो नंबर वन इज द इलीगल यूज़ ऑफ दस्तक। दस्तक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसे होगा, लेकिन ब्रिटिशर्स इसमें काफ़ी इलीगल यूज़ कर रहे थे। नंबर टू,
इंटरफेरेंस विद नवाब्स कोर्ट, जो ब्रिटिशर्स थे वो नवाब्स के कोर्ट में भी यहाँ पे इंटरफेरेंस उन्होंने शुरू कर दिया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको लिए भी वो कैप्चर कर रहे थे। असेंबल्ड अम्यूनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब इन फोर्ट विलियम, बिना नवाब की परमिशन पे, आपको पता होगा कि कलकत्ता पे फोर्ट विलियम था, तो फोर्ट विलियम पे डायरेक्टली इन्होंने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। नंबर फोर इज़ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज टू हेल्प द मारवाड़ी। सो ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि उनको मारवाड़ीज़ को वहाँ पे हेल्प करनी है, ये कहीं ना कहीं नवाब के अगेंस्ट थी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नवाब का था, इसके अगेंस्ट इन्होंने किया। ब्लैक होल इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें नवाब ने क्या किया था कि 146 ब्रिटिशर्स पर्सन को कैप्चर कर लिया था, एक जगह पे पूरी तरह से काला, एक अंधेरे कालकोठरी पे बंद कर दिया था। उसके कारण 23 इंग्लिश पर्सन ही सरवाइव कर सके, बाकी जो 123 इंग्लिश पर्सन है वो उसी समय पे दम घुटने से मर गए थे। सो ये जो रीज़न थी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो थी जो नवाब और इंग्लिश मैन के बीच में थी, वो बढ़ती गई और ये एज अ कन्वर्ट हो गई बैटल ऑफ प्लासी। ये लोकेशन पे हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली बैटल हुआ कहाँ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिवर ऑफ हुगली रिवर है, उसके बैंक ऑफ हुगली रिवर ये जगह हुई थी। ये जिस जगह पे ये हुआ, लोकेशन जो थी वो वेस्ट बंगाल पे थी, पलासी मतलब जहाँ पे ये होते थे, बहुत सारे पलास के फूल थे वहाँ इस जगह पे अगर हम देखेंगे। सो टोटल सिराजुद्दौला के पास में 50,000 सोल्जर्स थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास में सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ब्रिटिश अगर 50,000 सोल्जर्स थे तो जीत तो 50,000 सोल्जर्स की होनी चाहिए, बट सिराजुद्दौला के साथ में यहाँ पे एक बिट्रेड हो गया, उनको धोखा मिला उनके ही कमांडर मीर जाफर से। जो मीर जाफर थे उन्होंने उनको बिट्रेड कर दिया, धोखा दे दिया, और वो अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको लालच दिया था कि अगर वो किसी भी तरह से उनकी हेल्प करेंगे तो अगला जो नवाब होगा वो उनको ही, ब्रिटिशर्स उनको अगला नवाब बना देंगे, और यही रीज़न था कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को के साथ में बिट्रेट किया, चिटिंग की, और उनके जो इन्फॉर्मेशन थी इंटरनल आर्मी की, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंचा दी। एज अ रिज़ल्ट जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए। अब मेन कारण क्या था उनकी हारने का? कॉन्स्पिरेसी अमंग द ब्रिटिश एंड द मेंबर ऑफ नवाब कोर्ट, बेसिकली कॉन्स्पिरेंसी थी ब्रिटिश और मेंबर्स नवाब कोर्ट के बीच में। डेथ ऑफ, इस बीच मीर मदन की भी डेथ हो गई जो कि बहुत ही एबल कमांडर थे। हैवी रेन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। सिराजुद्दौला जो थे बेसिकली वो एडवाइस लेते थे मीर जाफर से और राय दुर्लभ से, लेकिन दोनों के दोनों उनके अगेंस्ट थे। मोहनलाल ने भी उनको रिट्रीट कर दिया और इंग्लिश पर्सन ने अटैक कर लिया, और ये सारी चीज़ें जब एक साथ हुई तो 50,000 जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की वो हार गई अगेंस्ट 3,000 आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम देखेंगे। सो इम्पैक्ट ऑफ दैट, अब पहली बार ऐसा हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली वॉर करके, फाइट करके, इसके पहले भी ब्रिटिशर्स ने जो थे वो वॉर लड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने साथ में लड़ा, साथ दिया था, लेकिन ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स की वॉर थी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जनरल जो गवर्नर जनरल थे उनकी लीडरशिप में हुई थी। सो दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स थे, फ्रेंच जो थे वो बेसिकली कोई भी फोर्स नहीं रहे बंगाल से, इस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए। अगला जो ब्रिटिशर्स आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ इसी बैटल प्लासी में इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि उनको ऐसा लगने लगा कि हम तो यहाँ इंडिया पे राज भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट 190 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से पावर मिल गई और जो मुगल्स थे वो पूरी तरह से लॉस्ट पे आ गए, कंट्रोल ऑफ इंडिया। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ ये हुआ कि जब 1757 को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरफ से कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने पूरी तरह से कलकत्ता को, बंगाल को एक्सप्लॉइट किया। यहाँ से जितनी भी मनी थी उन्होंने एज अ टैक्स, एज अ पावर उन्होंने उस वहाँ से लिया, और इसके कारण से इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि बंगाल में 1770 में सबसे बड़ा फेमाइन आया जिसने 1/3 पॉपुलेशंस को मार दिया था। सो क्वेश्चंस आपसे यही पूछे जाएंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था, तो आप क्या लिख सकते हैं? बैटल ऑफ प्लासी, लेट अस, वी आर कंक्लूडिंग नाउ। सो बैटल ऑफ प्लासी जो था एक ऐसा बैटल था, फर्स्ट बैटल था 23rd
ऑफ जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में फाउट हुआ था। मेन रीज़न उसके हमने देखे कि बहुत सारे रीज़न थे, ब्लैक होल इंसिडेंट था, जो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था बंगाल को कैप्चर करने के लिए वो था, और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स को पावर एनेक्स करना था वो इसका एक रीज़न था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने 190 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया। सो दैट्स वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन दैट, यू कैन राइट अस ऑन कमेंट। एंड इफ़ यू वॉन्ट, नाउ वी आर अपलोडिंग द ऑल द टॉपिक वाइज वीडियो एज पर योर सिलेबस। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ द एजुकेशनल चैनल एंड इन दैट चैनल यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स इन वेरी इजियर वे। थैंक यू।